मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जहां तमाम बड़े राजनेता यहां मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही एक नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हां, विपक्ष ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मल्लिका अर्जुन खड़गे को तीसरी लाइन में बैठने की सीट ऑफर हुई थी, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने आपत्ति जताई है। इस मसले पर विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ये दावा भी किया है कि एक वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया है, जिसको लेकर वे हैरानी और विरोध जताते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर ये लेटर शेयर किया है। पत्र में लिखा गया, आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिका अर्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बैठाया गया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। हम वरिष्ठ नेता के प्रति दिखाए गए इस अपमान पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। चलिए अब आपको 2012 के दौर में लेके चलें, जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे और हॉल तमाम बड़े बड़े राजनेताओं से खचाखच भरा हुआ था। उस दौर में यूनियन कॉरपोरेट मंत्री रहे अरुण जेटली को भी कोने वाली सीट पर बैठाया गया था, लेकिन इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया था। इस दौरान विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा सरकार ने इस बात का जरा भी विरोध नहीं किया था। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस का इस तरह का विरोध तार्किक है क्या? इस पूरे मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इसमें किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता की सीट तीसरी पंक्ति में ही आती है। दिस फंक्शन वाज एज पर द होम मिनिस्ट्री, इट वाज कंडक्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री एंड एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री द सिटिंग अरेंजमेंट वाज मेड एंड ऑल अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अबव द leader of opposition as far as the order of president is concerned as per the strictly if you go for the order of president but he was given allotted seat in the first row and when he complained that it is in the corner then the staff who were there they requested they arranged something and requested him to come in the middle of the hall he refused that the intention shows that they want to make issue out of a non-issue इस मामले पर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। विपक्ष के इस हंगामे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।